वेरी गुड मॉर्निंग। ऐसे तो बहुत जल्दी मैं उठ गया हूँ, सुबह 6 बजे ही, पर अभी ऐसा मैंने स्टीम ले ली। आई जस्ट हैड माय वेरी गुड वॉक, जॉग करके मैं आ गया हूँ अच्छे से। एंड लुक एट शी वॉज ऑल्सो विथ मी, उसको भी मैंने अच्छे से जॉगिंग वॉगिंग करा दी आज, उसको भगाया है मैंने। तो बस बहुत अच्छा लग रहा है, तब सुबह से उठ के जॉग वॉक करना। इट्स टिल 9:30 ओनली, और पूरा दिन है मेरे पास आज करने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए। तो देखते हैं आज कुछ क्या कर सकते हैं, एंड देन वी विल डू समथिंग। लेट मी टेक अ बाथ, क्योंकि ये टी शर्ट देख देख के आप भी पक गए होंगे, सब मुंह माया है। तो हाँ, ये इतना खुश क्यों, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला दैट यू डोंट हैव एनी सिम्टम्स ऑफ कोविड, और मुझे कुछ एलर्जी की बीमारी है। मतलब ये 2 महीने में तीसरी बार मुझे एक्चुअली सर्दी और खांसी हुई है। सो उन्होंने बोला तुझे एलर्जी है, तो उसके लिए दवाई दे दी है। सो या आई एम नॉट कोविड एंड आई एम नॉट अ पर्सन विथ हैविंग सम सिम्टम्स ऑफ कोविड-19। तो मुझे बहुत अच्छे अंदर से एनर्जेटिक आ गया कि मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ है यार, मैं तो ठीक है। तो बस अभी नहा धो के तैयार हो जाते हैं, देन वी विल या We will continue the vlog today. Holy cow vlog. ये लग रहा है पूरा एरिया खाली है बिकॉज ऑफ द कोरोना इफेक्ट। मैं आपको अंदर का बताता हूँ कि अंदर क्या हो रहा है। दो साल के बाद ये टी शर्ट पहनना है। टिकटॉक, इज दैट इलीगल इन इंडिया? टी शर्ट तो आपने देख ली होगी, इट इज़ फ्रॉम 2018 नवंबर को मुझे मिला था फ्रॉम टिकटॉक बाय कंप्लीटिंग 5 मिलियन व्यूज़ ऑन माय 1 वीडियो। तो ऐसा खुश हो गया था मैं। थोड़ा अपने को थोड़ा गोरा गोरा दिखना है यार, क्यों गोरा गोरा नहीं आ रहा हूँ मैं? गोरा आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ? लॉक हो जा, यस लॉक्ड। तो अपने को आ जाना ये हेलमेट के अंदर माइक फिट करने का। तो अच्छा जुगाड़ करते हैं कि माइक फिट कैसे करूँ विदाउट एनी टेप, और कुछ यूज़ नहीं करना है अपने को, सिर्फ अपने ये माइक को कैसे तो घुसाने का। और वो इधर आने वाला है तो उस हिसाब से मुझे लेंथ भी रखना पड़ेगा। एंड बाय द वे मैंने ना एक इसके लिए माउंट ऑर्डर कर दिया है जो इसके आगे लगेगा, इधर ऐसे पूरा वी शेप से। तो वो देखते हैं वो कब तक आता है। इट्स ऑन सैटरडे या संडे को वो आने वाला है, तो तब तक देख लेंगे। आगे तो अच्छा है, तब तक मैं थोड़ा रेस्ट भी ले लूँगा, किधर मोटो ब्लॉग तो करना नहीं है। बट आई विल ट्राई कि एटलीस्ट मुझे छुट्टी मिले जहाँ पे, मतलब मुझे फ्राइडे को छुट्टी है तो मैं फ्राइडे को निकल जाऊँ किधर, तो किधर ना किधर तो निकलना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज आई विल बी बोर्ड और आप भी बोर हो जाओगे कि बंदा तो किधर जाता नहीं है, किधर आता नहीं है, क्या करेगा फिर। मैंने सोचा कि क्यों ना आज व्लॉग में आपको दिखा दूँ कि भाईंदर में आफ्टर होली कैसा सीन होता है। मतलब सब लोग ऐसा रंगारंग हो जाते, रंगारंग के बाद जो स्ट्रीट की रंगारंग होती है वो कैसी होती है, लेट मी शो यू। ये कुछ भी बोले, ये हेलमेट बहुत अच्छा है, मैं मानता हूँ ये हेलमेट एकदम काफ़ी एक्टिवा के लिए बहुत अच्छा है। बाकी आप इसके लिए यूज़ करोगे तो मज़ा नहीं आएगा आपको भी। तो मुझे लगता है मुझे सैलो टिप का यूज़ है, मतलब जो टेप का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो लेट मी ब्रिंग द टेप, जब मुझे टेप लाने दो देन आई विल मेट यू गाइस अगेन। तो इसका कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं इधर इसको इफ़ यू सी, नहीं आपको नहीं दिखेगा ठीक है ना, मतलब जो माउंट है वो इधर आगे लगने वाला है, ये रहा इधर लगेगा माइक। तो जब मैं बोलूँ तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर आवाज़ आ सके, तो आपको डायरेक्ट मैं एक्टिवा भी मिलता हूँ, नहीं तो मुझे अभी ग्रेसी को भी नीचे लेके जाना, तो 10-15 मिनट जाएगा, नहीं तो फिर आप लेके जाऊँगा मैं। तो देखते हैं अभी स्ट्रीट का हाल कैसा है। मेरे को एक्चुअली ना सनसेट देखना था, बट आई डोंट थिंक सो मैं जब तक पहुँचूँगा वहाँ पे सनसेट रहेगा।
सनसेट हो चुका रहेगा आई थिंक सो, अभी तक पता नहीं, मुझे मेरा मोबाइल ध्यान से रखना है और सब फुल स्पीड में चला रहा हूँ ना मैं। और लास्ट टाइम मुझे वायर बहुत आई थी कैमरा के बीच में, तो वही आज बार बार चेक करूँगा, पर मैंने सेट तो किया है एक बराबर। कितना भी जुगाड़ कर लो फिर लास्ट में वो देसी जुगाड़ ही काम आता है, ये तो मैंने देखा। काज बंद कर देता हूँ तो आपको आवाज़ एकदम प्रॉपर सुनाई देगी, माइक एकदम मुँह के पास ही है तो आपको एकदम सब जगह से फुल आवाज़ आ रही होगी, ये टक टक की आवाज़ मत आनी चाहिए। फॉर्च्यूनर, वाह बहुत अमीर लोग हैं हमारे इधर। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से लूँ कि खाड़ी लूँ, चल ले लेता हूँ, देखते इन लोग ने कुछ नाकाबंदी की है कि नहीं की है। मेरे हिसाब से तो नहीं की होगी। माइक की माँ की, हाँ बराबर, अभी माइक बराबर है। चलो भगाओ, अब भगाओ, मतलब इधर तो ट्रैफिक रहना ही है ये तो मैं मानता हूँ, पर अभी क्या ही कर सकते, जिधर जाना है वो इम्पोर्टेंट जगह। अभी मुझे सब लोग देख रहे होंगे क्योंकि मैंने ना एक्चुअली टी शर्ट के ऊपर तो शायद मैंने ये लगा दिया है तो कोई टी शर्ट नहीं देख पाएगा मैंने, नहीं तो है ना अपना ये टिकटॉक वाला टी शर्ट लेके घूम रहा हूँ मैं, तो सबको ऐसा दिखता है। बस अभी इधर हाँ ये वाला जगह है ना बहुत ट्रैफिक वाला रहता है, पर आज सपोजली बिकॉज ऑफ होली आई गेस तो उसके वजह से थोड़ा सा खाली है, बाकी तो सब बढ़िया। सिग्नल मिलने पर अपन निकलेंगे, आ जाए जल्दी सिग्नल। बस अच्छा है, सन तो अभी तक है, सेट नहीं हुआ है। ये फ्लाईओवर वन ऑफ माय फेवरेट है, और जो ये लोग भगाए, वेरी गुड वेरी गुड भैया वेरी गुड। ये लोग मेरे को सिग्नल पे ऐसे ताड़ रहे, जरा बोलते हैं ये क्या कर रहा है क्या कर रहा है। अच्छा है, मस्त है, मतलब जो लोग नोटिस करते हैं ना उन लोग के साथ ऐसा व्लॉग करने में मज़ा आता है। इन लोग यू टर्न क्यों ले रहे हैं, चल हेलमेट नहीं पहना लगता है शायद उसके वजह से ही। इधर सब लोग को पकड़ते ही है ऑलमोस्ट हमेशा, क्योंकि किसी ने हेलमेट ना पहना हो या फिर कुछ हो या फिर कुछ हो, और यहाँ पे आपको बहुत हवा आ रही होगी आई गेस, हवा तो आने वाली है। इन लोग जो काम करते हैं ना हम लोग कभी कुछ नहीं कर सकते वैसा काम। ये लोग जो उल्टा चल रहे थे ना, हेलमेट नहीं पहना था इसके वजह से। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा ऐसा टर्न वन मार के आते हैं, थोड़ा मतलब मज़ा आएगा तो अच्छा लगेगा। इधर ये लोग है उधर वर्दी वाले है, दोनों जगह से हम लोग की लगने वाली है। तो क्या इधर उधर की बातें करने में मज़ा आता है, सब फुल ऑन नशा है पता है राइडिंग का भी, अगर बातें करते रहो तो। ये मैकडी में बहुत बार आया हूँ, इधर आगे एक चाय सुट्टा बार वाला है सो वहाँ पे हम लोग बहुत गए हैं। चाय सुट्टा बार वाला मतलब चाय सुट्टा बार उसका चाय वाला है, मतलब उसका नाम चाय सुट्टा बार है। क्या कर रहा है पर तू आज, बौखला गया है का? इसके बाद एक गली है बहुत छोटी सी जहाँ पे सब लोग रनिंग सुबह सुबह आते हैं, साइकिल चलाने रन करने अभी भी आए होंगे आपको दिखेंगे, पर मुझे कपल बहुत दिखते हैं आई डोंट नो व्हाई, भाईंदर में सब जगह कपल बहुत है, बहुत बहुत बहुत, हर पब्लिक प्लेस पे मुझे एक आधे कपल तो मिल ही जाते। So long, I've been waiting for so long for you to tell me what's wrong. Can you
deny everything you felt. Something new. You were scared to tell me how you love me and show me the devil in you. I've been waiting for you. You felt alone. I tried to help, but nobody was here. And it seemed like you didn't care. You wanted more, but you were weak. You, only you, only you, only you. But you can't do it on your own. बस अभी घर पे जाते हैं, आराम करते थोड़ा, जैसा डॉक्टर ने बोला है। फिर कुछ खाना पीना मम्मी ने बनाया होगा, दाबेली या बड़ा पाव या कुछ तो बनाया होगा आज के लिए हमारे स्पेशल। अरे यार किधर भी देखो खड्डे, ये है बम्पर है यार, MPMC क्या कर रहे हो यार, मर जाए क्या हम अब, हम क्या करें अब बताओ। देखो पूरी एक्टिवा हिल रही है, रोड चला रहे कि हम एक्टिवा को चला रहे, मतलब रोड एक्टिवा को चला रहे कि हम एक्टिवा को चला रहे, समझ में नहीं आ रहा है। कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है। जिंदगी बर्बाद कर दी, ऐसा वाला फीलिंग आ रहा है मेरे को अभी। हाँ, इसको चलाते चलाते लगता है यार काश बाइक होती सस्पेंशन के साथ, तो इतना धक्के तो नहीं पड़ते। पता नहीं कैमरा कैसे रिकॉर्ड कर रहा होगा, जायरो मोड तो ऑन है अभी, जिसके से ज़्यादा हिल डुल होगा तो पता चल जाएगा। मन है यार इसको लेके जाना थोड़ा दूर दूर, पर अभी जब मिले तब, अभी अभी तो इधर उधर ही घुमाना पड़ रहा है थोड़ा। ऐसा ये ना मम्मी पापा भी थोड़े हमारे, उनको भी थोड़ा डर लगा रहता है कि कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, कोविड के वजह से कुछ हो जाए ना हो जाए, कुछ गलत ना हो हमारे बच्चे के साथ। अब सब जायज है, पर हमारे बच्चे भी थोड़े बोर हो रहे हैं अब, आप भी समझो यार, थोड़ा डर लग रहा है अब हमें भी कि हम घर पे बैठ के ही बोर हो जाएंगे और कुछ कर ले बैठेंगे, मतलब हम रील बना लेंगे यार, ऐसा लग रहा है मेरे को। तो मुझा कर लूँगा मैं अभी टिकटॉक के ऊपर जैसा करते थे सब लोग, ऐसा मन हो गया, इतना बोर हो गया, वो सबसे बचने के लिए मुझे सब बाहर जाना पड़ रहा है समझे हो। अभी तो खाने के लिए भी बाहर नहीं जा सकते, बिकॉज यू नो आई नो वी नो। मैं सोच रहा हूँ चलो जाके आते हैं, नहीं पर मार्केट में ना थोड़ा चलेगा, जो जान दे जाता हूँ घर पे बेटर। शुभम वगैरह से बाद में मिल लूँगा कभी। बस आराम से भी घर पे निकली